नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रह सके। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हुए, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #MaskPehnoIndia। क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने कश्मीर पर दिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान कश्मीर पर दिए गए विवादास्पद बयान पर आपत्ति जताते हुए भारत ने तल्ख लहजे में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भ्रम फैलाने और पक्षपातपूर्ण टिप्पणी उस पद को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है जिस पर वो है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दुनिया की दूसरी विवादास्पद मुद्दे से कश्मीर की तुलना किसी भी हालत में नहीं की जा सकती और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का यह बयान निंदनीय है। चक्रवाती तूफान यास के असर से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार और बंगाल के कई शहरों के अस्पतालों में पानी भर गया। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि पटना के एक अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह कि बारिश के गंदे पानी में दवाएं तैरती नजर आईं, जिन्हें अस्पताल के कर्मचारी जल्दी जल्दी हटाते दिखे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहाँ इलाज कराने आने वालों दोनों की मुसीबत बढ़ गई। नौबत ये आ गई कि कोरोना टेस्ट कराने आए लोगों ने जैसे तैसे अपनी जाँच कराई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज्यादा होगा। हाजीपुर में भी बदहाली की ऐसी ही तस्वीर दिखी। वहाँ के अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पानी न भरा हो। एक कमरे को देख कर तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि वहाँ बारिश का पानी भरा है या गटर का। एक तो गंदा पानी, ऊपर से उसमें तैरती बोतलें, ग्लव्स और कचरा। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ, जिन्हें वहां के कर्मचारी बचाने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह घुस चुका था। इमरजेंसी में घुसा हुआ है, एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। यास तूफान की वजह से बिहार के 12 शहरों में बारिश आफत बनकर बरसी और यही हाल बंगाल में भी हुआ। वहां भी तूफान अपने साथ बर्बादी लेकर आया। कोरोना से लड़ाई के बीच बंगाल के कई शहरों के अस्पतालों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसने वहां भर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मालदा के एक अस्पताल में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पानी से भरे इमरजेंसी वार्ड में लोगों का इलाज करना पड़ा। वहां मरीज जिस बेड पर लेटे थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और उनके परिवार वाले उसी पानी में खड़े दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसी बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करनी पड़ी। बारिश का पानी इस अस्पताल के कोने कोने में भर गया। बाहर हो या अंदर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखा। ये पानी ऑपरेशन थिएटर में भी घुस गया और हैरानी की बात ये कि पानी से भरे ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दिखा। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो छाता लेकर अस्पताल पहुंचे, जबकि एक मरीज हाथ में ड्रिप लेकर पानी में घूमता दिखा। यास तूफान का असर बिहार पर भी दिखाई दिया। यास तूफान की वजह से बिहार में 7 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, गया, पटना और भोजपुर में एक आदमी की मौत हुई है और इसके अलावा संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की मौत पर दुख जताया और साथ ही मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार पर कानून का शिकंजा एक वीडियो के सामने आने के बाद और कस गया। दूसरी तरफ इस वीडियो के सामने आने के बाद सागर के परिवार का गुस्सा भी फूट पड़ा और जब न्यूज 18 की टीम सोनीपत में सागर के घर पहुंची तो सागर की मां ने सुशील के लिए फांसी की मांग की। अब तो मैं यही चाहती हूँ कोर्ट से भी, मीडिया से भी और आम जनता से भी कि जल्द से जल्द इसको सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। सागर धनखड़ कुश्ती में जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुके थे। उनका सपना था ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत कर लाना,
सागर की मां का कहना है कि कुश्ती का ये जुनून सागर में सुशील को देखकर ही पैदा हुआ था। उसको देख के उसको कहने लगा कि मैं भी ऐसे ही मेडल लाऊंगा और मेरा बेटा मेडल लेकर आता है ओलंपिक में, लेकिन उससे ये सहन नहीं हुआ। एक दिन पहले सामने आए 4 मई के एक वीडियो में पहलवान सागर जमीन पर गिरा हमलावरों से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग के इस वीडियो में कई हमलावर हाथों में डंडे लिए दिखे। इस वीडियो को देखने के बाद 18 साल तक सुशील के गुरु रहे रामफल मान भी दुखी हैं। कुश्ती के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। ये 4 मई वाली जो रात थी ये कुश्ती के लिए काला दिन था। 4 मई की घटना का वीडियो सामने आने के बाद पहलवान सुशील कुमार पर कानूनी शिकंजा भी और कस गया। इस बीच आज सुशील कुमार की कोर्ट में पेशी है। जानकारों के मुताबिक पुलिस कोर्ट से फिर से सुशील कुमार की रिमांड की मांग कर सकती है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि सागर मर्डर केस में आरोपी सुशील पहलवान और अजय कुमार को आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों के लिए 8-8 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि 14 साल से पहलवानी कर रहा रोहित करोर घटना की रात छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। इसके अलावा पुलिस ने विजेंद्र पहलवान की भी दिल्ली के टीकरी गांव से गिरफ्तारी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र ने कबूल किया है कि सुशील के कहने पर 4 मई की रात उसने कुछ लोगों की पिटाई की थी। 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में हुई घटना में पुलिस ने अब तक सुशील कुमार समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सीतापुर में हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में हाई वोल्टेज लाइन पंडाल पर गिरने से 4 बारातियों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के एटा में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। रांची में कुछ साल पहले करोड़ों की लागत से बना पुल तेज बारिश की वजह से टूट गया। ये पुल 2017 में बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ था। आरोप है कि अवैध खनन और निर्माण में लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि लोग जान पर खेलकर उसके ऊपर से गुजरते रहे। इन लोगों ने पुल के टूटे हुए हिस्से को खतरनाक तरीके से पार किया। पुल टूटने से 2 हिस्सों के बीच जगह बन गई, जिसे इन लोगों में कुछ ने कूदकर पार किया जबकि कुछ ने दूसरों की मदद से ये काम किया। रांची की कांची नदी पर बना ये पुल बहुत सारे लोगों की लाइफलाइन की तरह था, क्योंकि इससे आने जाने वाले लोगों का बहुत समय बच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लोगों का आरोप है कि पुल बनाने में तो लापरवाही हुई ही, अवैध खनन भी इसके टूटने की बड़ी वजह बना। ग्राम प्रधानों ने मीटिंग किया कि भाई इतना दूर से आप लोग मौत बला ले जाइए, लेकिन वो लोग नहीं माना। पता चला कि पुल से 500 मीटर की दूरी तक नदी किनारे रेत के खनन पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन खनन करने वालों ने ये बात नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि ब्रिज इतना कमजोर हो गया कि यास तूफान की वजह से हुई बारिश नहीं झेल पाया। बिहार के जहानाबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों को रोके जाने पर उन्होंने पुलिस से ही मारपीट शुरू कर दी। घटना वाली जगह से थोड़ी दूर पर खड़े एक शख्स ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसमें एक लड़का एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़े नजर आया। फिर उसने गाड़ी के पास खड़े पुलिस वालों को वहां से खींच लिया। उस लड़के की हरकत देखकर बाकी पुलिस वालों को भी गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो लड़के पर सख्त कार्रवाई करते, लड़के के साथ मौजूद लोगों ने उसे पुलिस से दूर कर दिया। पुलिस ने बताया कि वो लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर अपने अलावा 2 लोगों को बैठा कर ले जा रहा था और इसीलिए उसको रोका गया। लेकिन जब लड़के ने पुलिस पर बिना वजह मारपीट का आरोप लगा दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। कीटनाशक दवाएं बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो फैक्ट्री लपटों से घिरी नजर आई। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद केमिकल की वजह से आग और तेजी से फैली और उसने थोड़ी ही देर में फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आई। आनन फानन में दमकल को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन लपटें इतनी भयंकर थी कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालात बेकाबू होते देख वायुसेना से भी मदद मांगी गई। सामने आई तस्वीरों में वायुसेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे दिखे। अब इन कोशिश में सिविल के साथ में हम भी सहयोग कर रहे हैं। हालात बेकाबू होते देख वायुसेना को अपना हेलीकॉप्टर तैनात करना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक हेलीकॉप्टर पानी डालकर आग बुझाता दिखा।
आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी चपेट में आने से फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। पूरी फैक्ट्री मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। दिल्ली की सीमाओं पर बसे गांवों के लोगों को किसान आंदोलन की वजह से कोरोना का डर सता रहा है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में करीब 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर कई किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं, जो अब आसपास के गांवों के लोगों के लिए डर की वजह बन चुके हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बसे सिंघू गांव के लोग तो इस कदर दहशत में हैं कि उन्होंने किसान संगठनों से जुड़े लोगों को किराए पर मकान देने तक से मना कर दिया। पीछे भी आए थे यहाँ रूम लेने के लिए, 6 महीने का एडवांस भी दे रहे थे, तो हमने मना कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि आंदोलन में शामिल लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए इलाके में घूमते हैं और समझाने पर भड़क जाते हैं। ना वो मास्क लगाते, ना उनको हम बोल सकते, ना वो हमारी कोई बात सुनते हैं। टीकरी बॉर्डर पर बसे टीकरी कला गांव के लोग भी किसान आंदोलन की वजह से सहमे हुए हैं। किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ पर, किसान है तो उस वजह से क्या संक्रमण का खतरा आप लोग के गांव में है या नहीं? हाँ जी, बढ़िया हुआ है, आदमी मरने लग रहा है। गांव वालों का आरोप है कि इस आंदोलन की वजह से उनका काम धंधा पहले ही चौपट हो चुका है और अब किसान संगठनों की लापरवाही गाँव वालों की जान को भी खतरे में डाल रही है। उत्तराखंड और हिमाचल पर अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली, इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। जम्मू में डीआरडीओ ने 500 बिस्तरों का कोरोना केयर सेंटर तैयार किया, इसमें मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। अब जल्द ही इस कोरोना केयर सेंटर को जम्मू कश्मीर प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर है कि डीआरडीओ का 500 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक और बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कमलनाथ ने कोरोना से मौत के आंकड़ों पर शिवराज सरकार को घेरने के चक्कर में विवादास्पद बयान दे दिया। इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा भारत महान से भारत बदनाम हो गया। इस बयान का जवाब देने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान सामने आए। उन्होंने कमलनाथ के साथ सोनिया गांधी को भी घेर लिया। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। नागालैंड में लागू लॉकडाउन 11 जून तक बढ़ा दिया गया। वहां कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। ICMR ने कोरोना की जांच के लिए खोजे गए नए तरीके को मंजूरी दे दी। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नागपुर के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोरोना जांच के इस नए तरीके की खोज की है, जिसे सलाइन गार्गल RT-PCR मेथड नाम दिया गया है। बताया गया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट के मुकाबले इस तरीके से जांच करने में वक्त भी बचेगा और पैसे भी कम लगेंगे। इस तरीके में सैंपल देने वालों को सलाइन सॉल्यूशन से गरारे करने के बाद उसे एक ट्यूब में रखना होगा, फिर उस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा जहां 3 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट का पता चल जाएगा। बताया गया कि इस तरीके से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कोरोना जांच में काफी मदद मिल सकती है। राजस्थान के कोटा के एक टीचर ने कोरोना पीड़ित परिवारों के बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की है। कोटा के कई कोचिंग सेंटरों में पढ़ा चुके शशि प्रकाश सिंह का कहना है कि वो कोरोना का शिकार हुए परिवारों के 2021 बच्चों को मुफ्त कोचिंग देंगे। जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई या जिनकी नौकरी चली गई, उन बच्चों की मदद के लिए शशि प्रकाश सिंह ने ये पहल शुरू की है। इस साल यानी 2021 में उन्होंने 2021 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का ऐलान किया है। 2021 कोरोना पेंडेमिक हमारे देश पर कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया है। बहुत सारे बच्चों के फैमिली के जो मेन अर्निंग मेंबर थे उनकी ही जॉब चली गई है। इसलिए मैंने ऐसा संकल्प किया है कि 2021 में 2021 परिवार के बच्चों की एजुकेशन में मैं हेल्प करूँगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने से बिलोंग करता हो। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के एक बार फिर भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद राजधानी दमिश्क में जोर शोर से जश्न मनाया गया। इस जीत के साथ एक बार फिर अगले 7 साल तक के लिए उनके राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया, जिसकी खुशी मनाने के लिए उनके सैकड़ों समर्थक सीरिया की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आसमान में दिख रही आतिशबाजी के बीच ये लोग राष्ट्रपति बशर अल असद का पोस्टर थामे म्यूजिक की बीट पर झूमते नजर आए।
इन सभी के हाथों में सीरिया का झंडा भी था, जिसको लहराते हुए तालियां बजाते हुए इन लोगों ने अपने पसंदीदा राष्ट्रपति की जीत का जश्न मनाया। कई लोग तो अपनी कारों और मोटरसाइकिलों पर चढ़कर नाचने लगे, वहीं कुछ लोग चलती गाड़ी की खिड़की से आधा धड़ निकालकर जश्न में डूबे दिखे। बताया गया कि इस चुनाव में राष्ट्रपति बशर अल असद को 95% वोट मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना के इलाज से जुड़े मेडिकल के सामान पर आयात में छूट का फैसला लिया गया। ये छूट 31 अगस्त तक जारी रहेगी। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी को भी आयात में छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी नुकसान की भरपाई के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी और इसके साथ ही कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भी जीएसटी रेट कट को लेकर कहा गया है। इस विषय पर चर्चा हुई है और फिटमैन पैनल के सजेशन काउंसिल के सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन पर विचार करेगा और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लस ऑक्सीजन मीटर और कोविड टेस्टिंग किट पर लगने वाले जीएसटी को 12% से कम करके 5% किए जाने की मांग सदस्यों ने की है। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए अलग वैक्सीन सेंटर शुरू हो गए। दिल्ली में दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के लिए 8 सेंटर शुरू किए गए, जिनमें जूस और खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया गया। हालांकि अभी इन सेंटर पर 45 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगाया जाएगा। दिव्यांगों को बाकी सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इस तरीके के डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों को स्कूल के जरिए हुई परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। इससे पहले कोरोना खतरे की वजह से वहां 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वो 50% 9th के और 50% 10th के जो इंटरनल असेसमेंट और बाकी सब चीजों को मिलकर देने का काम इसमें किया है। पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर नसीम शाह को पीसीबी ने फिर T20 लीग PSL के लिए शामिल कर लिया। अब वो PSL के बाकी मैचों के लिए अबू धाबी रवाना हो पाएंगे। कुछ दिन पहले नसीम शाह पर कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप लगा था। दावा है कि किसान नेता राकेश टिकैत को फिर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में दिल्ली के पास गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। बेंगलुरु में गैंगरेप के 2 आरोपियों ने गिरफ्तारी के डर से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस की तारीफ की। बताया गया कि गैंगरेप की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और उसी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए ICC ने कुछ नियमों का ऐलान किया है। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि टेस्ट मैच के लिए एक दिन का रिजर्व डे रखा गया है। 18 से 22 जून के बीच खेले जाने वाले इस मैच में 23 जून रिजर्व डे होगा। ये रिजर्व डे इसलिए होगा ताकि 5 दिन के खेल में खराब मौसम या खराब रोशनी की वजह से पूरे ओवर ना हो पाए तो बचा हुआ खेल 6 दिन करवाया जा सके, क्योंकि अगर ये मैच किसी भी कारण से ड्रॉ होता है या टाई होता है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों का कब्जा हो जाएगा, यानी दोनों टीमें संयुक्त विजेता घोषित की जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट में शॉर्ट रन का फैसला भी ऑन फील्ड एम्पायर नहीं देंगे, बल्कि थर्ड एम्पायर ही हर बार बल्लेबाजों के रन दौड़ने पर नजर रखेगा और शॉर्ट रन होने की सूरत में ऑन फील्ड एम्पायर को इसकी जानकारी दी जाएगी। गेंदबाज का पैर क्रीज के आगे निकलने पर होने वाली नो बॉल का फैसला भी थर्ड एम्पायर को ही दिया जा चुका है और अब उसी तर्ज पर शॉर्ट रन का भी फैसला होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां एक महिला ने पुलिस की मौजूदगी में अपने पति से मारपीट की। उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ने के बाद ऐसा किया, लेकिन उससे पहले उस महिला ने वहां पुलिस को बुला लिया। जैसे ही पुलिस वाले उस मकान का ताला तोड़कर उसके पति को वहां से ले जाने लगे, उसने लकड़ी के एक डंडे से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद वो आदमी गाली गलौज करने लगा। पुलिस ने उस महिला के पति की दोस्त को भी मकान से बाहर निकाला, जिसे देखते ही हंगामा कर रही महिला और उसके घर वाले आपा खो बैठे। इस बीच पीड़ित महिला ने अपने पति पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया।
मेरे साथ अक्सर इस महिला के पीछे मारपीट करते हैं। मारपीट और हाथापाई के बीच पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ थाने ले गए, जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। गूगल, फेसबुक, शेयरचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समेत से ज्यादा सोशल मीडिया कंपनियों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मान लिया है। कंपनियों ने नोडल अधिकारी समेत उन 3 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिनकी नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को कहा था। हालांकि ट्विटर ने अब तक सरकार की नीति को पूरी तरह नहीं माना है। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने भारत की एक लॉ फर्म की जानकारी भारत सरकार को दी है और उसे अपना नोडल अधिकारी बताया है, जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी कंपनी का कोई कर्मचारी होना जरूरी है। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया था कि इन कंपनियों को भारत के नियम मानने ही होंगे। एक विदेशी प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट से काम करती है, तो कृपया करके हमें लोकतंत्र की और बोलने की आजादी की नसीहत न दे। मोटी बात यह है, भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। पहाड़ी पर साइकिल चलाने वाले स्पेन के एक एथलीट ने हवा में 98 फीट लंबी फ्रंट फ्लिप यानी आगे की ओर कलाबाजी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले 2014 में कनाडा के एक अभिनेता टॉम वैन स्टीनबर्गन ने साइकिल पर बैठे बैठे हवा में 69 फीट लंबी कलाबाजी मार के रिकॉर्ड बनाया था, जिसे स्पेन के बीएम बेनिडो अग्वादो ने लगभग 30 फीट के अंतर से तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में हुए एक कार्यक्रम में वो एक पहाड़ी इलाके में तेजी से साइकिल दौड़ाते नजर आए। चढ़ाई आते ही एथलीट ने अपनी साइकिल हवा में उछाली और उसे लेकर 360 डिग्री घूम गया। हैरतअंगेज कारनामे की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर सांसें अटक जाएं। लेकिन न तो एथलीट हवा में लड़खड़ाया और न ही जमीन पर उतरकर उसका बैलेंस गड़बड़ाया। ऐसे में जब विश्व खिताब अपने नाम हुआ तो बीएम बेनिडो अग्वादो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बताया गया कि बीएम बेनिडो अग्वादो काफी वक्त से आगे की ओर सबसे लंबी कलाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हिमाचल प्रदेश में 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहां पर 31 मई से दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे यानी 5 घंटे खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 30% स्टाफ के साथ काम शुरू हो सकेगा और सभी सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। 5 जून तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान खोलने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सरकारी बसें नहीं चलेंगी। जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बारे में हमने कहा कि 5 तक पाँच को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे, तो उस पर हमने ये निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अभी बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में ये फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई लोगों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इस ठगी के आरोप में पुलिस ने एक लड़की को मध्य प्रदेश के सिवनी से गिरफ्तार कर लिया। केरल की एक राज्यसभा सीट के लिए होने वाला उपचुनाव टाल दिया गया। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया। एलोपैथी पर योग गुरु रामदेव के टिप्पणी करने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके बीच टकराव जारी है, लेकिन इसी दौरान गुजरात के पाटन में एक कोरोना मरीज ने आयुर्वेदिक दवाओं से खुद को ठीक करने का दावा किया। वैसा ही करके मैंने कोरोना को सिर्फ 2 दिन में ही हराया है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी बताया कि अगर शुरुआत में ही आयुर्वेद का सहारा लिया जाए तो ज्यादातर मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपको कम लक्षण है और शुरुआत के स्टेज में ही आयुर्वेद दवाइयाँ ले लेते हैं तो आप गंभीर होने से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान अपनी ही बेची गई फसल के भुगतान के लिए रात भर जागने को मजबूर हैं। सामने आई तस्वीरों में किसान सहकारी बैंक की ब्रांच के सामने जमीन पर सोते नजर आए।
सुबह जल्दी नंबर आ सके इसलिए इन किसानों ने अपने अपने नंबर के हिसाब से बैंक की पासबुक ही कतार में रख दी। बैंक खुली उसी दिन जा रहा है, रात यहीं सो रहा है, तो पैसा नहीं निकाल पा। बताया गया कि कोरोना की वजह से सहकारी बैंक की ज्यादातर ब्रांच कई दिनों से बंद थी। ऐसे में जैसे ही बैंक खुले वहाँ किसानों की भीड़ लग गई। 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे। इस दौरान कुछ किसानों ने तो जल्दी नंबर लगवाने के लिए घूस मांगे जाने का भी आरोप लगाया। और रिश्वत भी देना पड़ती है, कहीं जो आपको साठ से रिश्वत भी दे रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को संभालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के भीतर ही नाराजगी बढ़ती जा रही है। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कैप्टन पर लगातार हमले करते रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को ये मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं, जिसकी आज दिल्ली में बैठक होनी है। 3 दिन पहले बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर बिहार के कई जिलों पर पड़ा। तूफान की वजह से पटना, कटिहार और मुंगेर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कटिहार के कुछ इलाकों में तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां रिहायशी इलाकों के बीच से पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। इस सैलाब ने कई लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने के लिए पानी में उतर गए। रास्तों से होते हुए यह पानी वहां के कई कच्चे मकानों के अंदर भी घुस गया। तेज बारिश ने कटिहार के कई रास्तों को भी नुकसान पहुंचाया। यास तूफान की वजह से राजधानी पटना में भी काफी तेज बारिश हुई। बारिश के बाद वहां की कई सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। नतीजा ये हुआ कि जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, उन पर वो कछुए की चाल से रेंगती नजर आईं। पटना के अलावा पूर्णिया में भी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसका मतलब ये कि अभी उन इलाकों में लोगों को राहत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा ही इंतजार झारखंड के उन इलाके के लोगों को भी करना पड़ेगा जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। यास तूफान की वजह से झारखंड के कई इलाकों में बीते 2 दिन से तेज बारिश हो रही है, जिनमें हजारीबाग भी शामिल है। वहां बीते 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई खेत पानी में डूब चुके हैं। जो नदियां इस मौसम में सूख जाती थीं, वो भी उफान पर आ गईं। यास तूफान की वजह से हजारीबाग में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसने वहां के कई पेड़ भी जड़ से उखाड़ दिए। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक स्कूल के बाहर एक बड़ा पेड़ गिरा नजर आया। बोकारो में भी भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम में पानी का स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने पानी का दबाव कम करने के लिए उसका एक और गेट खोल दिया। वहीं चक्रवात के असर से हुई बेमौसम बारिश ने बिहार के कई शहरों में फसलों को भी बर्बाद कर दिया। राज्य में कई जगहों पर तूफान आने के बाद से लगातार बारिश हो रही, जिसने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। बेमौसम बारिश की वजह से उनकी मेहनत पानी में मिल गई। नालंदा में तो कई बीघा जमीन में बोई गई फसल बर्बाद हो गई। वहां प्याज और गोभी के अलावा करेले की फसल भी पानी में डूबी दिखी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही यास चक्रवाती तूफान के कारण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फसल की बर्बादी से परेशान किसान अब मदद के लिए प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं। गरीब आदमी है, हम लोग का कुछ अथी मिलना ही चाहिए। हाजीपुर में भी लगातार हो रही बारिश ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। तेज हवाओं और बारिश की वजह से वहां केले के कई पेड़ जमीन पर टूटकर गिर गए। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में 3 अलग अलग थानों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ने अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो RLD का नेता बताया जा रहा है, जबकि एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार चल रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित भी कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने कैंसर से जूझ रही एक बच्ची से किया वादा पूरा किया। ये बच्ची 2020 के लॉकडाउन के दौरान केट मिडलटन के एक फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, जिससे उन्होंने जल्द मिलने का वादा किया था। और 5 साल की मीला का इंतजार आखिरकार तब खत्म हुआ जब वो स्कॉटलैंड के हॉलीवुड हाउस में पहली बार केट मिडलटन से आमने सामने मिली। इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाए केट गुलाबी रंग की ड्रेस में थी, जो मीला का पसंदीदा रंग है। उससे मिलने के दौरान उन्होंने बच्ची के खूबसूरत कपड़ों की तारीफ की।
तो वहीं केट के कहने पर बच्ची ने उनको गोल गोल घूम कर दिखाया। इससे पहले बच्ची केट मिडिलटन से मिलने की बात सुनकर ही बेहद उत्साहित नजर आई और मुलाकात से पहले बच्ची ने हॉलीवुड हाउस पहुंचकर वहां की सैर की और वहां रखा पियानो भी बजाया। कोविड पॉजिटिविटी रेट कम होते ही धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अनलॉक होता जा रहा है। रायपुर में पूरा बाजार खोल दिया गया है, लेकिन इस रियायत के बाद फिर से कोरोना विस्फोट के हालात ना बने इसके लिए बाजारों में अब कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें मिलकर व्यापारियों और उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद कोरोना के एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगाया जा रहा है। रायपुर अनलॉक हो रहा है, लिहाजा कई तरह की रियायतें इस वक्त दी जा रही हैं, जिसमें दुकानों को सुबह से शाम तक खोलने की अनुमति दी गई है, बाजार खुल गए हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा मार्केट में भी कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जवाहर बाजार की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अभी आप देखिए कि कोविड टेस्ट की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, बाजार में जिनकी दुकानें हैं, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन सभी का टेस्ट जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है और एक तरह से एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि पीक समय जब आया था मार्च या अप्रैल के समय में, और उस दौरान ये देखा गया कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और लॉकडाउन की नौबत तक आ गई। अब ऐसे में इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए मार्केट में इस तरह का ये शिविर लगाया गया है। राजस्थान के झालावाड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 लोगों ने एक रिहायशी इलाके में सरेआम फायरिंग कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन लोगों ने सड़क पर खड़े होकर एक एक कर कई गोलियां हवा में चलाई। सामने आए वीडियो में दिखा कि वहां आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे। इसके बावजूद आरोपियों ने बिना डर के अपनी बंदूक से फायरिंग की। बताया गया कि इन लोगों ने इलाके में अपना दबदबा जमाने के लिए इस तरह की हरकत की और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद ही अपलोड कर दिया, जो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। खबर है कि पकड़े गए आरोपियों में एक के खिलाफ पहले से ही थाने में कई मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की एक बैठक में मारपीट शुरू हो गई। ग्राम पंचायत के चुनावों के बाद पहली बैठक हुई थी, जिसमें 11 सदस्यों को पहुंचना था, लेकिन बैठक में केवल 4 सदस्य ही पहुंचे, जिसकी वजह से बैठक रद्द करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही मारपीट भी शुरू हो गई। कुर्सियां चलने लगी और डंडे चलने लगे। देखते देखते सरकारी स्कूल का ये मैदान जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्य तो 2 ही थे, लेकिन मारपीट करने वालों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा दिखी। मारपीट का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे दोनों तरफ के लोगों ने शिकायत दी है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान पर पीएम के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने उसे किनारा कर लिया। खबर है कि पहले तो ममता बनर्जी बैठक में आधे घंटे देर से पहुंची और फिर तूफान से जुड़े दस्तावेज सौंपकर मिनटों में निकल गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल में यास से नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और आसमान से बंगाल के उन इलाकों का जायजा लिया जहां यास तूफान ने तबाही मचाई। हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री ने राज्य के उन इलाकों को ध्यान से देखा जहां सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। वहीं ममता बनर्जी भी बंगाल का तूफान के बाद का हाल जानने निकल पड़ी। वो दीघा पहुंची और वहां के समुद्र किनारे के इलाके में घूमकर हालात देखे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के साथ तूफान पर होने वाली समीक्षा बैठक पर विवाद हो गया, क्योंकि पता चला कि इस बैठक के लिए पीएम ने आधे घंटे तक ममता बनर्जी का इंतजार किया। इस बैठक की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें प्रधानमंत्री अकेले बैठे दिखे और ममता बनर्जी की कुर्सी खाली नजर आई, जिस पर बीजेपी भड़क गई। बहुत सारी उम्मीदें करती हैं कि उनके साथ प्रोटोकॉल अपनाया जाए, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़ देती है। हालांकि बाद में खबर आई कि ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची तो सही, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, जिसकी वजह उन्होंने पहले से तय कार्यक्रम बताई। আমরা তো জানতাম না আমাদের দিঘায় প্রোগ্রাম ছিল, সুতরাং তবুও আমরা সেখান থেকে আবার কলাইকুণ্ডায় গিয়েছিলাম। लेकिन चर्चा है कि ममता के बैठक से किनारा करने का कारण शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी थी, जबकि प्रधानमंत्री ने ओडिशा और बंगाल दोनों जगह होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था। हालांकि कोरोना की वजह से ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी समीक्षा बैठक का हिस्सा बने। इस बैठक में राज्यपाल भी मौजूद रहे।
जिन्होंने ट्वीट कर ममता बनर्जी के पीएम को इंतजार कराने की आलोचना की। खबर है कि ममता बनर्जी उसी परिसर में मौजूद थी जहां बैठक हो रही थी, लेकिन शुभेंदु की वजह से वो आधे घंटे देर से पहुंची, ऐसा आरोप लगाया गया। यही नहीं, पता चला है कि देर से आई ममता जल्दबाजी में बैठक में पहुंची और प्रधानमंत्री को कुछ दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद वो ये कहकर निकल गई कि उनका कई जगहों का दौरा पहले से तय है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बंगाल के लिए आर्थिक पैकेज मांगा है, जबकि ओडिशा के सीएम ने ऐसी कोई मांग नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार ने ओडिशा, बंगाल और झारखंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें 500 करोड़ ओडिशा, बाकी 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को दिए जाएंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बंगाल में हुई घटना को हैरान करने वाला बता दिया और लिखा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने की नीयत से आए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक। यही नहीं, उन्होंने इस रवैये को संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण और भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को आहत करने वाला बताया। दूसरी तरफ तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भी पहुंचे। तूफान से हुई तबाही की जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्होंने हवाई सर्वे किया और विमान में बैठकर ओडिशा को हुए नुकसान का हाल दिखा। उनके पास इस दौरान राज्य का एक नक्शा भी था और एक फोन भी था, जिसमें वो तूफान के असर वाली जगहों का नक्शा देखते रहे। विमान से ली गई तस्वीरों में ओडिशा की तबाही साफ दिखी। खेतों और मैदानों में उतरा सैलाब साफ दिखाई दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उन जगहों का हवाई सर्वे किया था जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए, जबकि 424 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 31,671 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। महाराष्ट्र में कोरोना का रिकवरी रेट 93.4% है। कोरोना पर राहुल गांधी के दिए बयान पर घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। कोरोना संकट के दौरान हुए सरकार के कामों को उन्होंने प्रधानमंत्री की नौटंकी तक कह दिया। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर देश के अपमान का आरोप लगाया। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। नारदा मामले में घिरे टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद अकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि इन नेताओं को सीबीआई की जांच में सहयोग करने को कहा गया। आरोप है कि राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सांसद रंजीता कोली एक अस्पताल का दौरा कर लौट रही थी। इस मामले में प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को घेरा और राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के मामले पर राज्यों को कुछ निर्देश दिए। अदालत ने ऐसे बच्चों को मदद पहुंचाने को कहा। साथ ही जिला प्रशासन को इन बच्चों की जानकारी शनिवार तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया। अभिनेता रणदीप हुड्डा बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादास्पद बयान देकर घिर गए। उनका 2012 का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासी पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ना तो वो मामूली आदमी है और ना मायावती जी कोई छोटी मोटी शख्सियत है, ये भारत के संविधान पर हमला है। इस विवाद के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया। इसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। राजस्थान के कुछ जिले इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। नौतपा यानी प्रचंड गर्मी के 9 दिनों का दौर शुरू होने के बाद वहां के कुछ जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। 3 शहर पश्चिम राजस्थान के ऐसे हैं, गंगानगर, चूरू, जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और ज्यादा गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी। अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव या लू चलने की संभावना बनी हुई है।
एक 12 साल की बच्ची ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और 12 से 17 साल के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाए जाने की मांग की। इस याचिका पर अदालत ने बच्ची के माता पिता और सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर 4 जून को सुनवाई होगी। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स केस में हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ को मुंबई लाया गया, जहां अदालत ने उसे 1 जून तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। मुंबई के गोरेगांव में एक अपार्टमेंट में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। रात में तेंदुआ अपार्टमेंट के कैंपस में घुस गया और आराम से टहलता रहा। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में भी ये तेंदुआ देखा गया। जिस समय तेंदुआ कैंपस में घूम रहा था, उसी दौरान लोग भी वहां पर टहल रहे थे और तेंदुए को देखते ही डर गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के विवाद में दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि वहां कुछ लोग ग्रामीणों को टीका न लगवाने के लिए बहका रहे थे, लेकिन जब प्रशासन की टीम वहां लोगों को समझाने पहुंची तो उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग टीका न लगवाने के लिए बहस करते दिखाई दिए। इनमें कुछ महिलाओं ने तो हाथ में ईंट उठा रखी थी। बताया गया कि लोगों को बहकाने वाले गुट ने ग्राम प्रधान के पति और उनके साथ आई प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते वहां खूनी झड़प शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बंदूक उन्हें मारी है, इस वजह से चोट लगी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां से 2 बंदूकें भी जब्त की गईं। दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिलसिले में LG अनिल बैजल के साथ एक अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये साफ किया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अमेरिका कोरोना संकट से तो उबर रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जैसे उसके बड़े शहर कोरोना काल के साइड इफेक्ट से बुरी तरह जूझ रहे हैं। हाल यह है कि वहां बेरोजगारी, बेघर हुए लोगों और बेलगाम अपराध ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी, क्योंकि वहां के मैनहट्टन जैसे बेहद पॉश इलाके जहां घूमे बिना अमेरिका पहुंचे पर्यटकों का टूर तक अधूरा रहता था, वहां तक के हालात बेहद खराब दिखे। अमेरिका जैसी महाशक्ति के नागरिकों की बेबसी देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। आलम यह है कि वहां सड़कें बेघरों का आशियाना बन चुकी हैं। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पार्कों में डेरा जमाए दिखे तो कुछ सड़क किनारे तंबू गाड़ कर गुजर बसर करते नजर आए, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने फुटपाथ को ही अपना बिस्तर बना लिया। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं तक न्यूयॉर्क सिटी में भीख मांगने पर मजबूर दिखी। इन बेघर लोगों में कई तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो राहगीरों पर भारी पड़ जाता है। सामने आई ऐसी एक तस्वीर में एक बेघर लड़का सड़क से गुजर रही गाड़ी पर ही चढ़ा हुआ नजर आया। सड़कों पर कब्जा जमाए ये लोग न्यूयॉर्क की पुलिस तक के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल में न्यूयॉर्क सिटी में अपराध 30% तक बढ़ गया है। मैं हूं किशोर अजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है।